हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7। बट उसके पहले हमें कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट समझने हैं, है ना। 5.7 के आप क्वेश्चन बड़े ही इजीली लगा सकते हो, ट्रस्ट करो, ठीक है। बट उसके पहले आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? जैसे आपको देखो, यहाँ पर एक टर्म समझ में आ रहा है, डेरीवेटिव, ठीक है। आप डेरीवेटिव करना जानते हो, है ना। बट सपोज करो, जैसे मान लो हमने कहा सर मेरे पास एक फंक्शन होता था, है ना, जिसको हम कहते थे y इज इक्वल टू, लेट करते हैं कि y इज इक्वल टू मेरे पास कोई फंक्शन है fx है, इतनी बात, ठीक है। अब हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो हमें देखो क्या मिलता था, हमें मिलता था dy dx, ठीक है। और इसी चीज़ को हम इसे जो है एफ डैश एक्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते थे। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है कि हमने इसका एक बार जो है डिफरेंशिएशन कर दिया है। इतनी बात आ रही समझ में? अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है, एक बार हमने डेरिवेटिव कर दिया। नाउ अब ये कह रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या कह रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इट मीन्स अब हमें इसका क्या करना है, एक बार इसका फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से हम इसको क्या करते हैं, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, डिफरेंशिएशन का मतलब है होता है किसके रिस्पेक्ट में करो आप, डी डी एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में करो। तो क्या लिखते हैं, डी डी एक्स, है ना। अब किसका करना है, फिर से डी वाई डी एक्स का करना है, बात समझना। करना है किसका, हमें फिर से हमें फिर से करना है डी वाई डी एक्स का करना है। तो हमने कहा डी डी एक्स ऑफ किसका, डी वाई डी एक्स, आ रही बात समझ में, इज इक्वल टू। अब इसका भी कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ भाई मान लो कुछ भी आया, साइन आया, कॉस आया, कुछ भी आया, तो आप उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करोगे। तो अब उस डिफरेंशिएशन को मान लो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ डबल डैश एक्स से। तो अगर कहीं भी आपको अगर एफ डबल डैश या वाई डैश या वाई डबल डैश अगर ऐसे देखने को मिला, तो समझना है कि वहां पर उसका दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है। अच्छा, इसी को जो है बुक वाला जो एनसीईआरटी का जो बुक है वो उसे कुछ है इस तरीके से लिखता है। क्या देखो, यहाँ पे देखो डी कितनी बार है, टू टाइम्स है, तो क्या कहते हैं इसको, डी टू वाई डी, क्या कहते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी टू वाई डी एक्स टू, क्या कहते हैं अब इसको, अब यही ये जो हमारा टर्म मिला ना डी टू वाई डी एक्स टू, इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में किया है भाई, तो जैसे हमने अपॉन में dx लिखा है तो हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मान लो कुछ और होता, t होता, तो विद रिस्पेक्ट टू t कहते हैं। क्लियर, इतनी बात बताओ, समझ में आ रही है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि आप उसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, अगेन उसका फिर से जो है एक बार और आप उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो वो जो आपको टर्म मिलेगा अब हम कहेंगे कि हाँ भाई, हमने इसका दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया, दैट इज हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मिल गया। ओके, में तो इसी को हम एफ डबल डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बोलो, ये बात इतनी समझ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी जो है वो इसको थोड़ा सा और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। इसको हम ऐसे भी कहते हैं, इस पूरे को हमने मान लो, ये जो पूरा का पूरा जो टर्म है ना, इस पूरे को हमने ले लिया डी टू, क्या ले लिया, कैपिटल डी। अगर कैपिटल डी टू भी लिखा हुआ है कहीं भी, है ना, डी टू, डी स्क्वायर मत पढ़ना, क्या कहेंगे, कैपिटल डी टू। तो अगर ये डी टू डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी वही है क्या, और किसका डिफरेंशिएशन किया गया है, वाई का, तो क्या लिखेंगे, डी टू वाई, क्या लिखेंगे, डी टू वाई, ठीक है, डी टू वाई। या और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, वाई डबल डैश, मैंने आपको बताया वाई डबल डैश, और कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं वाई टू। डिफरेंट डिफरेंट बुक, डिफरेंट डिफरेंट तरीके, तो आप जो भी, आप जिस भी बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा रहे हो, तो कभी भी डी टू वाई दे दिया, वाई डबल डैश दे दिया, वाई टू दे दिया, तो सभी का मतलब क्या है, एक ही है। आ रही बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, समझ में आया। क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, उसी के रिस्पेक्ट में फिर से क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। चलो, इतनी बात आपको समझ में आई, सिंपल सा ये स्टेप है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं, हम इसके कुछ एग्जांपल्स लगा लेते हैं, और एग्जांपल्स आप सारे के सारे एग्जांपल्स देखोगे, ठीक है, और एक भी एग्जांपल छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। आप मेरे पूरे वीडियो के थ्रू चलते रहो, है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल्स को लगाना। देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 5.7 का, एग्जांपल नंबर 38। क्या कह रहा है, फाइंड, देखो पढ़ते कैसे, क्या पढ़ेंगे, फाइंड डी टू वाई डी एक्स टू, क्या क्या कहेंगे इसे, हम इसे हम कहेंगे फाइंड डी टू वाई डी एक्स टू इफ वाई इज इक्वल टू, इतना दिया है तो इसका आपको इसका जो है आपका डी टू वाई डी एक्स टू निकालना है, डी टू वाई डी एक्स टू निकालना है, इट मीन्स डी टू निकालना है, डी टू वाई निकालना है, ठीक है। देखो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो
हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स है। चलो क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना पड़ेगा आपको। क्या मिलेगा देखो, dy dx मिलेगा इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, यही तो होगा, आ रही है उसमें। चलो तो फाइनली आपको डी वाई डी एक्स इक्वल टू देखो क्या मिला, थ्री एक्स स्क्वायर, कौन नहीं जानता है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन देखो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। बोलो ये अभी आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। नाउ आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है देखो डी टू वाई डी एक्स टू निकालना है, डी टू वाई डी एक्स टू निकालना है। तो आप इसका एक बार फिर से क्या कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखेंगे, इतनी बातें पहले आप लिख लो, ए जी ए आई एन, ए जी ए आई एन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो क्या होता है डी डी एक्स, ये हमारा डिफरेंशिएशन किसका करना है भाई, डिफरेंशिएशन इस डी वाई डी एक्स का करना है, बात समझो, किसका करना है, इस डी वाई डी एक्स का करना है। तो डी वाई डी एक्स डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो डी टू वाई डी एक्स टू, बट एक बार हमने बता दिया ये ज्यादा सही है ना, कर लो थ्री तो बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ फिर से एक्स स्क्वायर का कर दिया प्लस डी डी एक्स ऑफ फिर से सेक स्क्वायर एक्स का कर दिया, किसका कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स का, ध्यान समझो। चलो तो ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला डी टू वाई डी एक्स टू मिल गया। चलो ये आपको मिला, अब यहाँ पे देखो थ्री है इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या मिलेगा, टू एक्स प्लस, अब ये हमारे पास देखो सेक स्क्वायर एक्स है, तो अब सर सेक स्क्वायर का कैसे करते हैं, तो सेक स्क्वायर का हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, हम इस सेक स्क्वायर को जो है, सेक स्क्वायर एक्स है ना, बात समझना थोड़ा सा, तो सेक स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, आपको ये सब सारी चीजें पता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो दैट इज सेक एक्स के पावर टू। अब हम इस पूरे को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, चैन रूल याद आया, तो हमने कहा सर हम इसको हम इमेजिन ऐसे करते हैं कि ये सेक स्क्वायर एक्स ना होकर के सेक एक्स का होल स्क्वायर है। तो देखो कैसे करेंगे, हम ये करेंगे, इसको हमने मान लिया टी, दैट इज टू टी, क्या हो जाएगा, टू टी, दैट इज टू इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है, सेक एक्स, देखो टी की वैल्यू क्या है, इसकी जगह आपने मान लो टी, तो टी स्क्वायर दैट इज टू टी, ये तो होता है ना टी, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी मीन्स टू सेक एक्स। अच्छा अब हमने माना किसको भाई, हमने सेक एक्स को माना है, तो सेक एक्स का एक बार हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना, तो क्या बता देंगे, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स, ठीक है। अब देखो सो फाइनली क्या मिल गया, देखो सिक्स एक्स प्लस ये देखो टू सेक एक्स, तो ये एज इट इज रहेगा, टू सेक एक्स तो ये सेक एक्स ही रहेगा इंटू, अब कितने बच्चों को सेक एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता, तो पता होना चाहिए भाई, क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये तो होता है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना। सो फाइनली आपको मिल गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिला क्या, डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस का टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ये आपका फाइनल जो है आंसर हो गया। आ रही बात समझ में, बताओ कितना आसान है, ठीक है। चलो तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मेरे वीडियो के साथ चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं सर तो मैं तो सर सीख गया, अब सर मैं आपका वीडियो नहीं देखेगा, नहीं तो देखना है आपको, देखना पड़ेगा, ओके। चलो देखो स्टार्ट करते हैं दूसरा अपना क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो थोड़ा सा आप मेरे को कमेंट करके बता दो, हाँ सर मेरे को समझ में आ गया, मजा आया पढ़ करके, और अगर और ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि आपका फ्रेंड्स भी कुछ जो है सीख ले, कुछ पढ़ ले, वो भी नहीं पढ़ रहा होगा, है ना, उसको भी थोड़ा सा दे दो, ठीक है, क्या पता आपका फ्रेंड्स आपसे ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा होगा, तो जो भी हो ओवरऑल आपका काम है, आपका आपका काम है, फर्ज निभाना है, तो आप भी भेज दो, बाकी उनकी मर्जी, पढ़े चाहे ना पढ़े, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 39। देखो बच्चे ये एक्सरसाइज ऐसा है ना, इस एक्सरसाइज से आपको मोस्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेंगे, है ना, कि फाइंड डी टू वाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो, आपको प्रूव करने वाला ऐसा क्वेश्चन हमेशा दिखेगा। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं भाई बहुत आसान है, y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास गिवन है, a साइन x प्लस b cos x, है ना, क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट, आप पूरा लिखोगे ऐसा नहीं सर ने जैसे लिख दिया सर मैं भी वैसे ही, नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखना है आपको, क्या मिलेगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी कॉस एक्स, बोलो इतना मिलेगा। अच्छा देखो तो फाइनली क्या मिला आपको, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ए तो आपका यहाँ कॉन्स्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, प्लस बी बाहर आ जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं, बताओ बोलो
ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट, आपको आपको देखो चाहिए क्या, आपको प्रूविंग में चाहिए क्या, आपको चाहिए डी टू बाई एक्स है ना, तो यहाँ पे डी टू बाई एक्स होना चाहिए। तो हम अगेन क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा डी टू वाई डी एक्स टू, बोलो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू ए बाहर हो गया डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस बी बाहर हो गया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। चलो सो डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, फाइंड आपको क्या मिल गया ए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का ए साइन एक्स, बोलो मिला माइनस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो बी कॉस एक्स, बोलो मिला। चलो ऐसा करते हैं यहां से माइनस को कॉमन ले लेते हैं ना, डी टू वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉमन ले लिया, क्या बचा देखो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब बात समझो यहां से y इक्वल टू क्या है, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, देखो y इक्वल टू क्या है a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो जहां पर भी a साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स है उसकी जगह क्या हम y रख सकते हैं, हाँ सर रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते है? है ना, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है तो उसकी जगह हम y रख सकते हैं, रख दिया जाए, आई बात समझ में, डी वाई डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का वाई, बोलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहां से आ गया ये आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो y को इधर ले आओ क्या बच जाएगा डी टू वाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। और ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, अरे बस हमें कितना आसान है देखो, बहुत आसान है ना। चलो एग्जांपल नंबर 40 की बात करते हैं, इसीलिए कह रहे थे ना कि पूरे वीडियो के थ्रू चला करो, है ना, आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, हो सकता है आप अपने से सॉल्व कर सकते हो, बट आप मेरा थोड़ा पहले दिमाग ले लो, है ना, मेरे पास जो है हम आपको दे दे रहे हैं, उसके बाद अब फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको फर्दर क्वेश्चन के लिए फिर यूज करो, ठीक है ना। तो पहले आप जो है इस पूरे वीडियो को देखो, ऐसा नहीं कि नहीं सर मैं तो एक क्वेश्चन लगा लिया, आपने सर कॉन्सेप्ट बता दिया, तो सर पूरा क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है कर लोगे बेशक कर लोगे, लेकिन क्या पता कि शायद आप जिस तरीके से कर हम उससे थोड़ा सा और मतलब बढ़िया आपको बढ़िया वे में हम चीज़ों जो है वो दे, तो आप फिर करो, बाकी ये इतने सारे आपके पास प्रैक्टिस पड़े हुए हैं, आर एस अग्रवाल की बुक है जो है उनकी बुक पड़ी हुई है, आप उन सारे बुक से क्वेश्चंस को फिर आप लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, आरडी शर्मा की बुक पढ़ी है तो आप जिससे भी लगाने लगाओ, बट पहले एनसीईआरटी की आप सारे के सारे क्वेश्चन लगाओ, और एनसीईआरटी की अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन लगा लिए ना, तो चाहे आर एस अग्रवाल की बुक हो और फिर चाहे आरडी शर्मा की बुक हो, आप सभी क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 40, चलो क्वेश्चन नंबर 40 लगाते हैं, देखो बच्चे ये एग्जांपल नंबर 40 कह रहा है कि इफ वाई इज इक्वल टू इतना दिया है, प्रूव दैट दिस डी टू वाई डी एक्स टू माइनस फाइव डी वाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू क्या करना है आपको, जीरो लाना है ना। देखो बहुत ही आसान है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन है ना हम उसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं, क्या गिवन है भाई मेरे पास, वाई इज इक्वल टू दिया है थ्री ई टू द पावर टू एक्स प्लस टू ई टू द पावर थ्री एक्स, ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पास समझना क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा देखो डायरेक्टली थोड़ा करते हैं डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब बात समझना थ्री है e टू दी पावर टू एक्स, अगर हमें सर e के पावर अगर x होता है ना, तो हम e के पावर x का बड़े आसानी से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं कितना e टू दी पावर x, लेकिन अब e टू दी पावर x तो है नहीं, e टू दी पावर टू एक्स है, तो हमें इस टू एक्स को क्या मानना पड़ेगा t, क्या मानना पड़ेगा t, तो e टू दी पावर देखो अब कितना होगा, अब होगा e टू दी पावर t, e टू दी पावर t का मतलब क्या टू एक्स, और मैंने आपको बताया था 2x, और मैंने आपको बताया था कि आप जिसका डिफरेंशिएशन करते हो आप उसका एक बार मतलब सॉरी आप जिसको मानते हो आप उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हो ना, तो इसका एक बार हम इस टू हमने माना यहाँ पर किसको 2x को माना है, तो हम 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसा आप सर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने आपको e के पावर 2x का फॉर्मूला नहीं बताया है, हमने आपको e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन नहीं बताया, हमने आपको e के पावर x का डिफरेंशिएशन बताया है भाई, है ना, तो अब ये तो हमारे उससे स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड से मैच करने के इसको मानते हैं, तो बताया मैंने आपको, तो क्या हो जाएगा देखो एक बार कर लिया जाए, तो e टू दी पावर 2x और इनटू 2x का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा 2, तो मिलेगा ना, ठीक है ऐसे डायरेक्टली करोगे नहीं, ऐसे डायरेक्टली मत करना, फिर देखो 2 है इनटू e टू दी पावर 3x और फिर e टू दी पावर 3x का मतलब हम 3x को हमने माना, तो हम 3x का फिर से करेंगे तो कितना मिलेगा 3, ठीक है इसको थोड़ा सा सुटेबली फॉर्म में लिख लेते हैं, dy dx इज इक्वल टू
सिक्स ई टू दी पावर टू एक्स प्लस सिक्स ई टू दी पावर थ्री एक्स। बोलो इतना ही तो मिलेगा, चलो इतना मिला। अच्छा आपको यहाँ पर देखो लाना क्या है भैया, आपको लाना है डी टू वाई लाना है ना, डी वाई लाना है। तो एक बार इसका और आपको डिफ्रेंशिएशन चाहिए तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स का हम एक बार फिर से क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो सिक्स बाहर हो जाएगा, एक बार करके बता ही दो। e टू दी पावर थ्री एक्स, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। ये कितना हो जाएगा देखो, डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू सिक्स इंटू ई टू दी पावर टू एक्स हो जाएगा, इंटू टू एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा, टू प्लस सिक्स इंटू ई टू दी पावर थ्री एक्स हो ही जाएगा, थ्री एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा, थ्री, है ना। क्या मिला आपको, डी टू वाई डी एक्स, ये डी टू है, डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ट्वेल्व ई टू दी पावर टू एक्स प्लस ट्वेल्व ई टू दी पावर थ्री एक्स, ठीक है। अब देखो अब बात समझना है ऐसा थोड़ी सी, अब नहीं कहा सर मेरे को चाहिए डी टू वाई डी एक्स टू प्लस माइनस का फाइव डी वाई डी एक्स चाहिए, है ना, हमें प्रूविंग नहीं तो लाना है, ठीक है, और प्लस का सिक्स वाई इज इक्वल टू में जीरो लाना है। देखो इसे कैसे करेंगे, देखो बात समझो, अच्छा एक मिनट, सिक्स थ्री एटीन, यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है, एटीन होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है देखो सिक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, देखो सिक्स कॉमन हो सकता है, ले लो कॉमन सिक्स, क्या बचेगा, टू ई टू द पावर टू एक्स प्लस सिक्स थ्री ज़ा थ्री ई टू द पावर थ्री एक्स, ये तो बचेगा, ये आपका, देखो ऐसा करते हैं ना, देखो हमारे पास हमें तीन चीज़ें होनी चाहिए, डी टू वाई डी एक्स टू माइनस फाइव डी वाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो, हमें क्या लाना है, इज इक्वल टू जीरो लाना है। तो ऑप्शन क्या है मेरे पास, देखो अगर हम इसे एल एच एस मान लें, बात समझना, हम इसे अगर एल एच एस मान लें तो एल एच एस में हम सारी की सारी वैल्यू रखते हैं और एल एच एस को हम क्या कर देते हैं, आर एच एस ले आ देते हैं, ला देते हैं, है ना, जीरो ला देते हैं। देखो तो हमारे पास एल एच एस, हमने कहा सर मेरे पास एल एच एस क्या है, मेरे पास एल एच एस है, सिंस एल एच एस इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, डी टू वाई डी एक्स टू माइनस फाइव डी वाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई, ठीक है, ये एल एच एस है। देखो तो इसमें वैल्यू रखो, देखो डी टू वाई डी एक्स टू की देखो वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू हम इतनी रख दें सिक्स और टू ई टू द पावर टू एक्स प्लस थ्री, एक मिनट इसका कुछ और छोटा ऑप्शन होना चाहिए, देख लेते हैं, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस का फाइव, ठीक है, माइनस का क्या लगा दिया फाइव। अब देखो डी वाई डी एक्स की देखो वैल्यू कितनी है, डी वाई डी एक्स की देखो वैल्यू कितनी है, ये आपका है ना, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर थर्ड है, डी वाई डी एक्स की देखो वैल्यू कितनी है, सिक्स ई टू द पावर टू एक्स ई टू द पावर टू एक्स प्लस सिक्स ई टू द पावर थ्री एक्स, फिर क्या है प्लस का सिक्स वाई, प्लस का सिक्स इंटू वाई की देखो वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से देखो क्या है, थ्री ई टू द पावर टू एक्स और प्लस टू ई टू द पावर थ्री एक्स, यही तो है, ठीक है, इतना है, ठीक है। देखो बात समझो, टू ई टू द पावर टू एक्स थ्री ई टू द पावर टू एक्स थ्री एक्स, ठीक है, यहाँ से ऐसा करते हैं ना, यहाँ से हम ये सिक्स भी कॉमन ले लेते हैं, बात समझना, यहाँ से हम ये सिक्स वाला भी टर्म क्या करते हैं कॉमन ले लें, तो अगर हम कॉमन ले लेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा थर्टी, फाइव सिक्स या थर्टी, बोलो इतना होगा, फाइव सिक्स या थर्टी होगा, इतना होगा ना, ठीक है, इतना होगा कि नहीं होगा, होगा सर, ठीक है, यहाँ से सिक्स हटा देते हैं, ठीक है, ओके। तो अच्छा एक मिनट, हमें इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा, सॉल्व करने का मतलब क्या है ना कि हमें इसे ओपन करना ही पड़ेगा, बिना ओपन किए देखो हम सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे यहाँ है ना, आ रही बात समझ, तो इसे हम क्या करते हैं, एक बार हमें इसे ओपन करना ही पड़ेगा, ठीक है, कर दिया जाए, कर दिया जाए, चलो देखो कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ट्वेल्व ई टू द पावर टू एक्स प्लस एटीन ई टू द पावर थ्री एक्स माइनस थर्टी ई टू द पावर टू एक्स, ये करना पड़ेगा भाई, माइनस थर्टी ई टू द पावर थ्री एक्स प्लस 18 e टू द पावर, देखो सिक्स थ्री था 18 e टू द पावर 2x प्लस 12 e टू द पावर 3x, ये होगा, बोलो देखो
टू एक्स ई के पावर टू एक्स वाला देखो, ई की पावर टू एक्स यहाँ है, ई की पावर टू एक्स यहाँ है, ई की पावर टू एक्स यहाँ है, बस। तो ये है 12 ई टू द पावर टू एक्स और ये है 30, बात समझना। तो 12 और 30 आपस में ये सबट्रैक्ट होगा, फिलहाल प्लस वाले को हम ले लेते हैं। हाँ 12 और 18, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो 12 और 18 दैट इज 30। हाँ देखो ये 30 हो गया, ये पूरा का पूरा कितना हो गया 30 टू द पावर 2x प्लस में, और ये भी हो गया 30 टू द पावर 2x माइनस में, ये दोनों क्या हो गया आपस में जीरो हो गए, बात समझो। 18 ई टू द पावर 3x, 18 ई टू द पावर 3x और 12 ई टू द पावर 3x, तो कितना हो गया 30 ई टू द पावर 3x और माइनस 30 ई टू द पावर 3x कितना हो गया जीरो हो गया। फाइनली क्या मिला आपको, जीरो मिला। तो आप क्या बता दोगे, हेंस डी टू वाई, ये बताना पड़ेगा, डी एक्स टू माइनस 5 डी वाई डी एक्स, बस यही है, एक प्रोसेस है सिंपल सा, 6y, बोलो, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर मेरे को ये ही चाहिए, तो आपने डी टू वाई डी एक्स टू निकाल लिया, आपने डी वाई डी एक्स निकाल लिया, आपके पास y जो है ऑलरेडी है, इन सभी की वैल्यू क्या कर दो, आर एस में पुट कर दो, पुट करने के बाद आपको सॉल्व कर लो, इन सभी को जीरो मिल जाएगा, है ना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे e टू द पावर 2x है और e टू द पावर 3x है, तो इन दोनों को आपस में ऐड मत कर देना, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2x और इसकी पावर 3x है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं, ठीक है, तो दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं, तो ये इनका एक में जो है ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। आ रही बात समझ में, चलो इतनी बात समझ में आई, ओके। देखो जी ये है क्वेश्चन नंबर 41, एग्जाम्पल आपका ये 41 है, ठीक है, क्या करें, ये इतना है, ठीक है, तो शो करना है आपको ये दिस, आरी बात समझ में, ये आपको प्रूव करना है, इसके हेल्प ऑफ दिस, इसके हेल्प से आपको प्रूव करना है। चलो तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई मेरे पास गिवन क्या है, तो ये है मेरे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, बस समझना। तो हमें देखो हमें अपने प्रूविंग क्या चाहिए, हमें d2 डी टू वाई डी एक्स टू चाहिए, हमें डी वाई डी एक्स चाहिए, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले हम इसका डी वाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो देखो क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, और आपको पता है कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अच्छा एक मिनट रुको, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे पहले अभी फिलहाल कर देते हैं, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो ये होता है ना, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं कि हम इसको इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, देखो ट्रांसफर करने से देखो फायदा क्या होगा, आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर होना चाहिए, तो होने से पहले देखो यहाँ पे रूट नहीं है, अगर रूट नहीं है मतलब इसका भी रूट हटाया गया होगा, तो आप मेरे को ये बताओ, देखो आप चाहो तो डी वाई डी एक्स रखो, या अगर नहीं चाहते हो तो इस डी वाई डी एक्स की जगह बताओ क्या हम वाई वन रख सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है इस वीडियो के, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि डी वाई डी एक्स का मतलब वाई डैश कहें, वाई वन कहें, आ रही बात समझ में, है ना, तो हम क्या यहाँ पर इसकी जगह ये या मत करो कोई बात नहीं, हम स्क्वायरिंग करने वाले हैं तो हम ऐसे कर देंगे स्क्वायरिंग होल स्क्वायर कर, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो हम ऐसे कहा कि ठीक है सर ऐसा ना करके हम इस डी वाई डी एक्स को मान लेते हैं वाई वन, और हमने अब इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, हट गया। हाँ एक बात ध्यान, इस तरफ ला करके स्क्वायरिंग मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो, इस तरफ इस चीज को इस तरफ ला करके स्क्वायरिंग करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ पैटर्न्स हमें याद रखने पड़ते हैं, गड़बड़ देखो क्यों होगा, जैसे मान लो आपने कहा सर हम इसको इस तरफ ले आते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई डी एक्स, अब जब आप इसका स्क्वायरिंग करोगे ना तो ये पूरे का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू वन, समझ लो, पूरे का स्क्वायर कहने का मतलब कि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो फिर आपको इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लगाना पड़ेगा, समझ लो, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां से फायदा क्या हुआ कि आपने कहा सर ठीक है हम इसका भी यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिए और इसका भी हमने स्क्वायरिंग कर दिया, और देखो यहां से जो ये है ये हमारा रूट है यहां से हट गया, इसमें स्क्वायरिंग फॉर्मूले लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे कि आप यहां से देख करके चलोगे कि आपको एक्जैक्टली करना क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये इधर है ना, अब इसको आप इधर ट्रांसफर कर दो, अरे वास्तव में हम इसको क्या करते हैं सर इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, देखो तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसको क्या क्या बचेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू वाई वन स्क्वायर, ये वाई वन का मतलब क्या समझना है, वाई वन का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, वाई वन मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, इज इक्वल टू इधर क्या बचा वन। अब आपको चाहिए डी टू वाई डी एक्स टू, तो डी टू वाई डी एक्स टू का मतलब क्या होता है, डी टू वाई डी एक्स टू का मतलब होता है वाई टू, बोलो y2 डी टू वाई डी एक्स टू का मतलब क्या होता है y2 मीन्स डी टू वाई डी एक्स टू, मैंने बताया था ना आपको पिछले वाले इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो अब हमें ये मान लो हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा बच्चे है सेकेंड फंक्शन, अप्लाई कर दिया जाए फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर दिया जाए बाई प्रोडक्ट रूल, क्या होता है देखो फर्स्ट तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन दैट इज डी डी एक्स ऑफ वाई वन स्क्वायर, मतलब कि वाई वन का मतलब क्या डी वाई डी एक्स, कन्फ्यूज मत होना, वाई वन का मतलब क्या ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लगता है इस वजह से हमने इसको कुछ ऐसे लिख दिया है, बाद में हम रख देंगे, आरी बात समझ में, ये स्क्वायर है ये वाई वन का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन है,
स्क्वायर, और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वाई टू है और ये अगर हम कह रहे हैं वाई टू स्क्वायर दैट इज मतलब डी टू वाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर, ऐसे है ना। तो वाई टू मीन्स दो बार डिफरेंशिएशन, वाई वन मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन, दैट इज मीन्स ये। क्लियर इतनी बात। चलो तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड, सेकेंड देखो क्या है, वाई वन स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। वन हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, जीरो मिलता है। अच्छा जी, अब देखो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, वाई वन स्क्वायर, तो वाई वन स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, टू वाई वन, बोलो टू वाई वन, और फिर से वाई वन का एक बार और डिफरेंशिएशन, वाई वन का एक बार और डिफरेंशिएशन, बोलो ये तो होगा प्लस टू, एक मिनट, वाई वन टू है ना, तो ये एज इट इज रहेगा, वाई वन टू ये एज इट इज रहेगा। वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन का करेंगे जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या मिलेगा, टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है आपको, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, वाई वन का मतलब कंफ्यूज हो गया क्या, वाई वन का मतलब डीवाई डी एक्स, सिंपल। नहीं आता आपको समझ में, आप वाई वन मत रखो, आप डीवाई डी एक्स रखो, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, है ना, 0.0001% भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा ज्यादा आसान, थोड़ा सा ज्यादा इजी लगा। अब आपके बच्चे, आपकी जो मतलब जो भी है, आपको अगर वो ज्यादा आसान लगे तो आप उससे करो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां पर मेरे पास क्या मिला, टू वाई वन, और देखो यहां भी टू है, ऐसा करते हैं कि हम इसका पहले इसको पहले माइनस से हटा लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसा होगा, टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो इंटू वाई वन, तो वाई वन की वैल्यू रख दें क्या, वाई वन की वैल्यू क्या है मेरे पास, वाई वन की मेरे पास वैल्यू जो है, ऐसा करते हैं एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा पहले सूटेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, डी वाई वन अपॉन डी एक्स, ये तो अब होगा नहीं, प्लस वाई वन स्क्वायर, और देखो ये माइनस कर दें, ये माइनस है ना, तो माइनस का टू वाई वन स्क्वायर इंटू एक्स, वाई वन स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। चलो अब देखो यहां से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, वाई वन टू टू, तो टू वाई वन कॉमन ले लेते हैं, और इस वाई वन टू वाई वन कॉमन लेकर इसको इधर इस तरफ जीरो तरफ भेज देते हैं, तो जी क्या हो जाएगा, जीरो तो जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जीरो तो जीरो हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना उस तरफ जाएगा, तो डिवाइड में तो जीरो ही हो गया, तो हटो टू वाई वन हमको नहीं लिखना हम, तो अब यहां से क्या बचेगा मेरे पास, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई वन डी एक्स माइनस वाई वन, देखो यहां से टू कॉमन हुआ था, एक बार यहां से वाई वन कॉमन हुआ ना, तो वाई वन यहां पर वाई वन स्क्वायर है ना, तो एक बार वाई वन हट गया, एक बार और वाई वन बचा है, इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। चलो रख दो चलो एक्स स्क्वायर, देखो डी डी एक्स, अब वाई वन की देखो वैल्यू क्या रखनी है, डी वाई डी एक्स क्या रखनी है, अगली बार समझे, डी वाई डी एक्स माइनस एक्स की देखो वैल्यू क्या रखनी है, एक्स की जगह एक्स ही रख देते हैं, इंटू वाई वन की वैल्यू देखो क्या रखनी है, वाई वन की हमें वैल्यू रखनी है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो फाइनली सो आपको देखो क्या मिल गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आपका हो गया प्रूफ। देखो करना कुछ नहीं क्वेश्चन में, एक बार जो है ना आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो रफ में, बिना देखे इसी क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करो बिना देखे, अगर एक बार में लगा ले रहे हो देन बहुत बढ़िया, नहीं लगा पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार और ट्राई करो, देखो कि अब कहाँ गलत कर रहे हैं, बट ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ऐसे ही होती है ना, ऐसा नहीं कि एक बार लगा लिया, हाँ हाँ सर मेरे को तो समझ में आ गया, और हाँ सर अब तो हम कर लेंगे, और फिर पता चला सब भूल गया, तो ऐसा नहीं होता, लगाओ इनको कॉपी पर अच्छे से लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस की कमी है ना, सुना ना कहावत वो, प्रैक्टिस में परफेक्ट, वही वाली ये चीज़ है ना, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है। चलो वैसे परफेक्ट कभी बनना नहीं चाहिए, परफेक्ट बन गया मतलब आपके पास अब सीखने को कुछ बचा नहीं है, ऐसा नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को बचा हुआ रहता है, तो परफेक्ट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 हमने कर लिया, ओके नाउ हम बात करते हैं ओके, ये तो 41 खत्म हो गया है, चलो ठीक है। तो हमने जो है एग्जांपल्स कर लिया, और एग्जांपल्स आपको बड़े अच्छे से लगाना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, भले लाइक करो चाहे आप डिसलाइक करो, तो हमें पता चलेगा, ठीक है। बट आप अपना फीडबैक जरूर देना कि हाँ सर मेरे को ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ सर मेरे को समझ में नहीं आया, कि हाँ सर मेरे को यहाँ पर ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही थी, तो कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। बट वीडियो जो है आप पूरा देखा करो, है ना, कोई भी वीडियो का पार्ट छोड़ना नहीं है, चालू करके छोड़ दो, जहां देखो अच्छा अच्छा सर हाँ वैसे कुछ नई चीज़ बता रहे हैं, ओ माय गॉड कर लिया, आप खुद से करो, फिर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे तो सर ने कुछ अच्छा ऐसा बताया था,
बट आपकी आपका भी अगर वो सही तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखा करो, है ना, और अपना जो है बच्चे आप वैल्यूबल आपका जो भी लविंग फीडबैक है ना वो आप जरूर दिया करो। लविंग फीडबैक चाहे जो भी कह लो, जैसा भी अपना आपका मूड जैसा करे, हाँ नहीं इधर बड़ा अच्छा वीडियो ठीक है, इधर बड़ा गंदा वीडियो ठीक, मतलब जो भी हो जैसा भी हो, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। उसके बाद हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 7.7।